डांगियावास के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की फसल खराबी की बीमा राशि की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा विश्व वीटी लोगो डे पर जागरूकता शिविर का किया आयोजन। मंडोर गार्डन में किया गया जागरूकता शिविर का आयोजन। होम्योपैथी महाविद्यालय के शिक्षकों ने किया आमजन को जागरूक। बाढ़ बचाव के लिए किया गया मॉक ड्रिल, जिला कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। संभागीय आयुक्त ने महात्मा गांधी अस्पताल का किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जोधपुर के प्रतापनगर में 1 किलो सोने की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार, अन्य 2 आरोपियों की अभी भी है तलाश। IIT जोधपुर के प्रोफेसर से कपड़ा रंगाई उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए एक नई तकनीकी को किया विकसित। एम्स में हुआ दुर्लभ बीमारी का इलाज, 9 साल के बच्चे की मांसपेशियां ऐंठ जाती थी, डॉक्टर्स का दावा, प्रदेश का पहला सफल ऑपरेशन। खुद को हाईकोर्ट की वकील बताकर 50 लाख मांगे, इंस्टाग्राम पर दोस्ती के जाल में फंसाने का आरोप, परिजनों को भी दी धमकी। सोशल मीडिया कमेंट से ब्लॉगर परेशान, मौत की धमकी, बोले बाबा तो गए अब 4 और जाएंगे, पेड़ से फंदा लगाकर कबाड़ी वाले ने किया था सुसाइड। IIT जोधपुर में केमिकल युक्त पानी की खेती लायक बनाएंगे, 2 रिसर्चर ने मिलकर बनाया फार्मूला, सामान्य से भी कम आएगी लागत।